Hi guys, कैसे हो आप सब आज का जो वीडियो है उसमें हमने फाइव मैंने फाइव एक्सप्लेन किया है यानी यानी कि कि उल्टे शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो फर्स्ट वन इज बिजी बिजी यानी व्यस्त आप हाँ, कहते हो कि मैं बहुत बिजी हूँ या खाली बैठने को हम बोलते हैं आईडल, -E. तो आप बोलते हैं, मैं खाना बनाने में व्यस्त था या बिजी थी कुकिंग करने में तो उसको आप बोल सकते हो आई वॉज बिजी कुकिंग आई वॉज बिजी सिंपली आप कुछ भी आई वॉज बिजी वॉचिंग टीवी ऐसे भी लगा सकते हो आप बिजी के साथ आपको कोई प्रेपोजिशन जोड़ने की जरूरत नहीं है जब पूछा कि बच्चे क्या कर रहे हैं तो आप कहते हो बच्चे तो अपना कर रहे हैं, यार कुछ नहीं और कुछ नहीं तो तो कि कुछ लेडीज बैठे हैं दो तीन खुद बातें कर हैं और लेडीज को आदत होती है पूछने की क्या कर रहे हो तो बोलो कुछ नहीं बात कर रहे हैं बस तो उसके लिए हम बोलेंगे नथिंग बिजी टॉकिंग नथिंग बिजी टॉकिंग अब बिजी के साथ इन टॉकिंग लगाने की जरूरत नहीं है बिजी टॉकिंग जब आपने किसी को बोला होता है कि बेकार मत बैठो बेकार मत बैठो हमारी लैंग्वेज में बेकार के लिए वर्ड यूज होता है वेला आपने हिंदी मूवीज में भी सुना होगा तो उसके लिए आप बोल सकते हो डोंट आइडल डोंट सिट आइजल कई बार क्या होता है कि कोई आपसे पूछता है कि क्या कर रहे हो तो उसके लिए व्हाट आर यू डूइंग what are you doing तो आप आंसर दे दो कुछ नहीं खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं बैला हूँ तो उसके लिए नथिंग सिटिंग आइडल नथिंग सिटिंग आइडल इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि वो, वो बेकार की बातें करने में लगे हुए हैं आप बोल सकते हो आप बिजी इन आइडल गॉसिप दे आर बिजी इन आइडल गॉसिप अगर फुर्सत मिले तो मुझे फोन करना बहुत बार आपने ये सेंटेंस बोला होगा तो उसके लिए इफ यू हैव एन आइडल मूवमेंट फ्री मूवमेंट की जगह पे आप आइडल वर्ड यूज कर सकते हो इफ यू हैव एन आइडल कॉल मी इफ यू हैव एन आइडल कॉल मी नेक्स्ट वर्ड्स ब्रेक ब्रेक का मतलब होता है टूटना तोड़ना या फिर खराब होना और उसके लिए जो हम ऑपोजिट वर्ड यूज करेंगे वो होगा फिक्स फिक्स का मतलब होगा जोड़ना या मरम्मत करना आपकी सपोज कीजिए वॉशिंग मशीन खराब हो गई अगर तो वो फंक्शनिंग करना बंद हो गई है चलना बंद हो गया कुछ उसका टूटा नहीं है कोई पार्ट तो हम बोलेंगे वॉशिंग मशीन हैज ब्रोकन डाउन वॉशिंग मशीन हैज ब्रोकन डाउन और इसी तरह से अगर आपकी वॉशिंग मशीन का कोई पार्ट टूट गया है तो आप बोल सकते हो वॉशिंग मशीन हैज ब्रोकन वॉशिंग मशीन हैज ब्रोकन आप बोलते हो कि मैंने तो कप उठाया और इसका हैंडल ही टूट गया आई पिक द कप अप एंड द हैंडल ब्रोक ऑफ i picked the cup up and the handle broke off इसी तरह से फिक्स को लेके भी देख लेते हैं आप बोल दो मैं कल उस टूटी हुई कुर्सी को ठीक कर दूंगा या कोई भी चीज आप कहते हो कि मैं इस, कल इसको ठीक कर दूंगा तो अब जो हमारा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंगली i will fix that broken chair tomorrow i will fix that broken chair tomorrow उसने मेरी घड़ी बिना पैसों के ठीक कर दी कई बार आपके साथ भी होता है कि आपको कोई चीज ठीक करवानी होती है आपको कोई जान पहचान वाला था आपसे पैसे नहीं था तो आप बोल सकते हो ही फिक्स माई वॉच फ्री ऑफ चार्ज ही फिक्स माई वॉच फ्री ऑफ चार्ज शेल्फ को दीवार पर लगा दो मतलब फिक्स करना है आपको दीवार पे तो फिक्स द शेल्फ टू द वॉल फिक्स द शेल्फ टू द वॉल नेक्स्ट जो वर्ड हैं वो है काइंड काइंड का मतलब होता है उदार अच्छा या फिर दयालु काइंड का ऑपोजिट वर्ड होता है मीन. मीन मतलब कमीना घटिया मतलब ही सेंटेंसेज है सपोज कीजिए कि कोई बच्चा अपनी बहन को तंग कर रहा था बोला थोड़ा अपनी बहन पे रहम कर या उसके साथ दयालु हो जाए या कुछ भी तो उसके लिए प्लीज बी काइंड टू सिस्टर प्लीज बी काइंड टू योर सिस्टर इसी तरह से वह एक दयालु व्यक्ति है मतलब उदार है तो ही इज पर्सन ही इसी तरह से मीन से रिलेटेड करो स्टोपिंग सो मीन स्टोपिंग सो मीन तुम इतने कमीने कैसे हो सकते हो ये भी आपने बहुत बार बोला होगा तो उसके लिए हाउ कुड यू बी सो मीन How could you be so mean? और वह एक घटिया आदमी है घटिया मतलब कुछ भी मीन फेलो ही हमारा वर्ड है वो है फ्रेंड फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त या फिर परिचित अब तो फ्रेंड को सुन के हमारे दिमाग में एकदम से उसका ऑपोजिट आता है एनिमी तो मैं बट यहाँ पे जो ऑपोजिट ले रही हूँ वो ले रही हूँ स्ट्रेंजर आप सोच सकते हो कि स्ट्रेंजर भी एक ऑपोजिट हो सकता है फ्रेंड का स्ट्रेंजर का मतलब होता है अपरिचित या फिर अजनबी अब ये क्वेश्चन टीनेजस के लिए है तो मम्मा पूछती है कई बार कि वे तुम्हारी दोस्त है वो लड़की तुम्हारी दोस्त है तो कैसे पूछेंगे इज शी अ फ्रेंड ऑफ yours इज शी अ फ्रेंड ऑफ yours तो आप एकदम से जवाब दो तो नहीं नहीं हम तो अजनबी हैं हम नहीं जानते एक दूसरे को तो नो वी आर स्ट्रेंजर्स नो वी आर स्ट्रेंजर्स तो इसीलिए या फिर आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो कि वह मेरे लिए अजनबी है तो उसके लिए आप बोल सकते हो शी इज अट्रेंजर टू मी शी इज अ स्ट्रेंजर टू मी नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हम पुस्तकालय के मित्र हैं वी आर फ्रेंड्स ऑफ द लाइब्रेरी वी आर फ्रेंड्स ऑफ द लाइब्रेरी अब आप, आप बोलो कि ये सेंटेंस क्या है तो इसका मैं मतलब समझा देती हूँ कि कई बार आपने किसी को बोलना होता है कि मतलब मैं इस बंदे को बहुत ज्यादा नहीं जानता बट ये लाइब्रेरी में मुझे मिलता है इसलिए थोड़ा बहुत मेरा फ्रेंड है बट वैसे मुझे पर्सनली इससे कोई लेना देना नहीं है तो हम तब ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं कि वी आर फ्रेंड्स ऑफ द लाइब्रेरी जैसे आप मुझे जानते हो पर्सनली नहीं पर आप बोल सकते हो कि वी आर फ्रेंड्स ऑफ द यूट्यूब तुम मेरे लिए हमेशा ही अनबुझी पहेली बने रही। मतलब अबूझ ये डायलॉग आपने फिल्मों में भी, भी बहुत सुना होगा तो उसके लिए यू रिमेन अड स्ट्रेंजर टू मी हमारा जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का वो है ड्रंक ड्रंक का मतलब होता है शराबी ड्रंकट भी कह सकते हैं आप पर ड्रंक भी शराबी के लिए हम यूज करते हैं और जो सूफी होता है जिसने शराब ना पी हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सौ आपको किसी को बताना है कि किसी घर में या मतलब वो शराबी औरत वहां रहती है या शराबी आदमी वहां रहता है तो आप बोल सकते हो कि अ ड्रंक वूमेन लिव्स इन देयर अ ड्रंक वूमेन लिव्स इन देयर अब एक आपने सुना होगा टल्ली वर्ड टल्ली मतलब जो पिया हुआ रहता है तो आपने मूवीज में भी ये वर्ड सुना होगा तो ये तो टल्ली है तो ही इज ब्लाइंड ड्रंक मतलब उसने बहुत ज्यादा पी रखी है ही इज ब्लाइंड ड्रंक इसी तरह से अगर आपको किसको पूछना है कि तूने पी रखी है तो आप बोल सकते हैं आर यू ड्रंक आर यू ड्रंक कई बार आप बोलते हो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पी तो उसके लिए आप बोल सकते आई एम कम्प्लीटली सॉब आई एम कंप्लीटली सॉबर एक और डायलॉग जो कि हम बहुत बोलते हैं कि नशे में तो नहीं है गाड़ी चला लेगा तो उसके लिए आप बोल सकते आर यू सॉबर इनफ टू ड्राइव हार यू सॉब इनफ टू ड्राइव क्लीवर होता है ना कि आप किसी के पास खड़े होते हो तो कि दूसरा कहता है कि उसने पी रखी थी तो नहीं मुझे तो नहीं लग रहा था तो आप उसके लिए बोल सकते हो ही सीम्ड फेयरली सॉब टू मी ही सीम्ड फेयरली टू मी तो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही आज के वीडियो में आपने फाइव एंटोनिम्स सीखे नए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इट्स फ्री थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम बाय